था, हमने तो उनको घर किराए पे दिए नॉन मुस्लिम बोल के, पर वो नॉन मुस्लिम निकला। उसकी एक वाइफ है और उसका दो बच्चा है, तो उसका नाम पता चला कि उसका नाम विकी शाओ है। वो कोई बैठा हुआ है, सब खड़ा है, एक दूसरे का मुंह देख रहा। और उसके बाद में जब हम गए तो ऊपर तो देखे कि पुलिस लोग कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, जो मर्डर किया है विकी राज वो बैठा हुआ एक रूम में था। एक रूम से हम लोग सामने दूसरे रूम में ला के उसको खाना खिलाया। वहाँ से हम लोग को मतलब ये थाना नारकल थाना बड़ा बाबू छोटा बाबू, नहीं आप लोग लेके जाइए बॉडी, लेके जाइए बॉडी, लेके जाइए। हम लोग बोले जब तक बच्चा नहीं मिलेगा हम लोग बॉडी लेके नहीं जाएंगे। तो बोले इंसाफ नहीं मिलेगा, माँ बहन सेफ नहीं रहेगी। उम्र दराज लड़की लोग का होता है तो उम्र दराज जो बुढ़िया लोग कहाँ जाएगी, उन लोग को भी सेफ नहीं मिलेगा। इतना मुश्किल हो जाएगा 10 दिन में, तो समझ लो कि बच्चा मेरा मतलब स्पॉट पर स्पॉट हो जाएगा। इन लोग का काम थाना हाय हाय कर, कोई थाना में कोई एक्शन कोई कंप्लेन नहीं, जब से आए हैं बैठा कर रखा है। हम लोग क्या बैठने के लिए आए? टैक्सी ड्राइवर ने एक महिला की गला काट कर हत्या कर दी, साथ ही उसके 5 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा। आप सबका स्वागत है न्यूज लाइन कोलकाता में। टैक्सी ड्राइवर में महिला रिहाना खातून के 5 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा। महिला रिहाना और उसके 5 साल के बेटे की सनसनी हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बुधवार की सुबह रिहाना का गला कटा हुआ सब मिला। सबको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी ने महिला के गले पर धारदार हथियार से एक नहीं कई बार वार किए हैं। पुलिस ने जांच के बाद टैक्सी चालक विक्की सौ को गिरफ्तार कर लिया है, उस पर हत्या का आरोप है। हालांकि महिला का शव बरामद होने के बाद उसके 5 साल के बच्चे का कोई पता नहीं चल रहा था। आरोपी की गिरफ्तार के बाद भी पुलिस को उसकी कोई सूचना नहीं मिल रही थी, तलाशी जारी थी, तभी आखिरकार 5 साल के बच्चे का शव बरामद कर लिया गया। रेहाना की बेटे मोहम्मद एरेस का शव गुरुवार की सुबह आनंदपुर नहर से बरामद की गई। इस दोहरे हत्याकांड की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। इलाके की निवासी बुधवार को नारकेल डांगा पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कहा है कि महिला और उसके बच्चे की कार के अंदर ही मौत हो गई थी। रेहाना बीबी का घर नारकेल डांगा में है और एक घर उनका तिलजला में भी है। वो हर महीने वहां किराया वसूलने जाया करती थी। कई बार वो विक्की सौ की टैक्सी से ही जाया करती थी। यहाँ तक कि विक्की सौ ने एक मकान किराए पर भी लिया हुआ था। कभी कभी वो इसकी टैक्सी से नारकल डांगा जाया करती थी। मंगलवार की रात जब वो घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोज शुरू की, जिसके बाद ही महिला का शव बरामद किया गया। वहाँ पर ही हम लोग को इग्नोर किया जा रहा, हम लोग को कोई रिप्लाई नहीं दिया जा रहा, हम लोग को बोला जा रहा 10 दिन का टाइम दो। हम लोग 10 दिन का टाइम क्यों देंगे? हाँ हम लोग को बच्चा दो। तो फिर अभी आज सुबह में साजिश हुआ है, एक जनाजा जब आ चुका है तो फिर दूसरा जनाजा का पुलिस ने खबर दिया, तो पुलिस इसमें मिला हुआ है और पुलिस ही क्राइम करवा रहा है। हम लोग का कहना ये आज आपका बच्चे का जो है शव को जो बताया जा रहा है कि मिल गया है, ये कितने बजे खबर दिया गया? यही 1:30 बजे तकरीबन, 1:30 बजे अभी 5 बजे तकरीबन। शव को आप लोगों का हैंड ओवर किया गया? नहीं नहीं हैंड ओवर नहीं किया गया, उसका प्रूफ मांगा जा रहा है। उसका वो लोग अपना मतलब सब काम जो है पूरा कर रहा है, तो इसका वजह से लड़का ने क्या पहना था तो वो बताया गया, उसका डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसका बारे में बात हुआ। तो अभी तो बॉडी अभी तक का दिया ही है, अभी तक का तो दिखाया भी नहीं, तो क्या किया पुलिस ने कुछ नहीं किया। हम लोग का मांग है कि हम लोग को वो आसामी जो है हम लोग को दे दिया जाए, हम लोग खुद से फैसला कर लेंगे। कहे पुलिस तो हाथ में हाथ धर के बैठा हुआ, क्या बोलेंगे, क्या बोले सर, बोल बोले का बाबू, मुजरिम को थक गए और जवाब नहीं दे पा रहे। बच्चा का क्या, मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया, मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया बाबू, उसको सख्त सख्त सजा होना चाहिए। इतना जालिम इंसान दुनिया में घूम रहा है, पकड़ी है ना, पकड़े उसको सजा हम लोग को चाहिए, उसको भी फांसी दी हुआ, उसको भी फांसी होना चाहिए। अभी तक कुछ किया तो नहीं है, अभी तक हम लोग को जब मालूम हुआ कि जब हम लोग घर पे मेरे बहन वो जो खोज रही थी कि रुको ना रे बाबा तुम बोलो या हम बोले, तो जैसा मेरा खाला का लड़की जैसा मेरा खाला गई अपना घर पे मतलब भाड़ा लाने गई, वो लड़का विकी सौ
उस भाड़ा में था ऑलरेडी, उसका घर तलतलाई में था फैमिली को लेके, और वो जबरदस्ती गैंग मतलब किसी का साजिश ये वाला कि तुम वहाँ घर लो। डेढ़ महीने में घर लिया। मेरा खाला हमेशा भाड़ा लेके आती थी जाती थी, सब करते, ऐसा कभी कुछ हादसा नहीं हुआ। वहाँ पे बहुत सारे रैयत है, बहुत सारे रेंज में रहता है, कोई इसमें रहता है। मेरा खाला गई जाके उसको बोला, माँ चलो तुमको हम छोड़ देंगे यहाँ से। 3 बजे 3:30 बजे गई बापू को लेके, बोले माँ चलो तुमको छोड़ देंगे 8 बजे रात में। तो बोला कि माँ, मेरा खाला बोले नहीं हम चल जाएंगे गाड़ी में। तो बोला नहीं चलिए, तू लेके पहुँचा। जैसा पहुँचाया 2-3 बार पहुँचाया तो पहुँचा दिया। माँ बोलता था ले जाके उसको साइड साइड में ले गया। तो मेरा खाला बोली कि तुम इधर उधर से काहे लेके जा रही, कहाँ चिल्ला चिल्ली खाला की। वो लड़का बोल रहा है जो आसामी पकड़ा है मर्डर वाला बिकी सौ, वो बोल रहा है कि हाँ मैं ऐसा ऐसा हुआ। तो वो बोलने लगा तो वो लेके चल गया। तो मेरा खाला बोली चिल्ला चिल्ली साइड की, तो मेरा खाला बोले आगे यहाँ पे छुड़ी मारा, यहाँ पे मारा, यहाँ पे मारा, यहाँ पे मारा, मतलब इसका पता नहीं चल रहा कैसा खाला को मारा। सादा व्हाइट कपड़े पहन के थी। तो हम लोग उनका पैर का पैजामा से पता चला जब मेरी बहन लोग गई। 10 बज रहा जब फोन बंद हो गया, 7 बजे बात हुआ उसका लड़का से, और फिर उसके बाद में फिर बात हुआ। तो मेरा खाला बोली, तब लड़की लोग बोली 10 बजे अभी तक आई था नहीं। उसके बाद में क्या हुआ, ये लोग 11 या 12 बजे वो लड़की अफसाना बोल के हम लोग सब ये लोग मेरा खोजने लगी जो बाड़ी में, जो बाड़ी है मेरा खाला का बाड़ी है तपस्या में। तो वहाँ पे बोली रैयत लोगों को खटखड़ाए, तो लोग खोली तो बोले क्या हुआ, बोले मेरा मम्मी, बोले मम्मी तो बिकी साहू का साथ चल गई है 8 बजे चल गई है, जितना मालूम रहे उतने बोले 8 बजे चल गई है, हो गया बोल बाल के उतने में। उसके बाद में वहाँ ले जाके 10 के अंदर में उसको काम करके फेंक दिया गया। तो वहाँ का जो पुलिस है, जो क्या बोले उसको, क्या बोला, आनंदपुर थाना, वहाँ का पुलिस लोग को, वहाँ का आदमी लोग बोला ये हम लोग का इलाका का नहीं है। तो तिलजला थाना में दिया, तो वहाँ से बोला कि तो हम लोग का नहीं। तो फिर उत्तर में ये लोग गई, मेरा बहन लोग गई जाके पुलिस, क्या एक बॉडी आया तिलजला में आया मकर चितरंजन हॉस्पिटल में। तो लोग जाके देखी कि खाला का कपड़ा से पहचान आया कि हाँ। उसके बाद में बॉडी क्या किया, वो लोग यहाँ पे कम्बल में दे दिया पोस्टमार्टम करके चितरंजन हॉस्पिटल। जब हम जब गए वहाँ पे थाना में, आनंदपुर थाना में, तो मेरा बहन लोग सब बैठ के थी, बच्चा तो कोई तो लोग का साथ बड़ा नहीं था, तो बैठ के थी। तो हम जब गए मालूम हुआ तो देख रहे हैं पुलिस लोग बैठा हुआ है, सब खड़ा है एक दूसरे का मुंह देख रहा। और उसके बाद में जब हम गए तो ऊपर, तो देखे कि पुलिस लोग कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। जो मर्डर किया है बिकी राज वो बैठा हुआ एक रूम में था, एक रूम से हम लोग सामने दूसरे रूम में ला के उसको खाना खिलाया। तो हम लोग बोला उसको, आप किन्नर को, मर्डरबाज को, गुंडा को आप पाल के आप खाना खिला रहे हो, और हम लोग को बैठ के खाली सवाल सुबह सवाल जवाब खाली हो रहा है, और कोई मतलब इंसाफ नहीं मिल रहा है कि उसको साथ आप लोग मार रहे हैं ना। उसका चेहरे में कुछ कशिश नहीं है कि हम मर्डर किया या हम कुछ भी किया, कोई उसका में कोई चेहरा में उसका बदन में कोई दाग नहीं। वो दम ऐसा है कि लगे कुछ किया ही नहीं। फिर हम लोग को क्या किया, बड़ा बाबू से हम बात किए। बड़ा बाबू बोले देखो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग बच्चा खोज रहे। फिर हम लोग क्या किया, लाल बाजार भेज दिया। लाल बाजार जो भेज दिया, तो लाल बाजार हम लोग गए तो मेरी बहन लोग गई वहाँ भी खाली पूछा और कुछ नहीं हो रहा सर। उसके बाद में हम लोग को फिर बोला आप लोग चलिए कम्बल हॉस्पिटल, हम लोग को कम्बल में ला के छोड़ा। वहाँ पे हम लोग आए, वहाँ देखा, देख दाख के फिर हम लोग वहाँ से, हम लोग को मतलब ये थाना नारकल थाना, बड़ा बाबू छोटा बाबू नहीं, आप लोग लेके जाइए बॉडी, लेके जाइए बॉडी, लेके जाइए। हम लोग बोले जब तक बच्चा नहीं मिलेगा हम लोग बॉडी लेके नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ सारा रात बैठेंगे, आप भी बैठिए हम लोग भी बैठेंगे। जब आप लोग कुछ कर नहीं सकते हैं तो आप लोग बॉडी हम लोग को जबरदस्ती ले जाने का कोई हक नहीं आप लोग को बोलने का। हम लोग कहाँ ले जाएंगे, जब बच्चा नहीं मिलेगा तब तक आप लोग बच्चा खोजिए। हम लोग का खोज चल रहा, हम लोग का खोज चल रहा, हम लोग बता रहा फोटो वोटो दिखा रहा। रात में भी आया तो हम लोग वहाँ से आए, ऑफिसर लोग हम लोग को यहाँ छोड़ा। तो हम लोग बोला सुबह में आके हम लोग डेड बॉडी ले जाएंगे, पोस्टमार्टम हो चुका था। तो फिर हम लोग जैसे बॉडी लेके आए हैं, उसे एक जून का मोबाइल में खबर आया कि आपका बच्चा मिल गया, मतलब संग नहीं दिया कुछ पुलिस लोग का कोई चाल कोई प्लान, डॉक्टर लोग का कोई चाल, लोग तेलसी भी मिला हुआ रहता है, बिक्री रहता है। तो यहाँ पे उनका गुसल होने किया है, जैसे उनका ला के रखा गया उनका गुसल होने किया है, बाड़ी में गुसल होने, बोले बॉडी आ गया। तो बोले इंसाफ नहीं मिलेगा, माँ बहन सेफ नहीं रहेगी। उम्र दराज लड़की लोग का होता है तो
उम्र दराज जो बुढ़िया लोग कहाँ जाएगी, उन लोग को भी सेफ नहीं मिलेगा, उन लोग का भी मर्डर हो जाएगा। क्या कर रही है, क्या हो रहा, सरकार क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रहा है, कानून क्या कर रहा है। मैं उठ रहा था कि इमरान नाम का बंदा जो कि अपना नाम को बदल कर कोई विक्की शाव था, इस बारे में क्या कहेंगे कि आखिर मतलब नाम बदलने का क्या मतलब। नाम बदलने मतलब हम मुस्लिम का बाड़ी में घर लिया, घर लिया उसको कोई भेजा है। ऐसा तो कोई रेस्ट्रिक्शन मुसलमान इलाके में नहीं है कि हिंदू नहीं ले सकता। नहीं 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 सर, नहीं सर इसमें नहीं, नहीं मकसद क्या, बंगाली खुद मुसलमान का घर बाड़ी में नहीं लेगा, किस लिए बोले का है, गोश्त का खुशबू पड़ेगा, इसका खुशबू नहीं लेता है, हम लोग यहाँ पे होता है। मगर राज समाज बोलने दीजिए, ऐसे नहीं हम लोग ऑब्जेक्शन है, हम लोग तो हिंदू मुस्लिम जो सब भाई भाई, सब हम लोग भाई है, कोई हम लोग ये फर्क नहीं, जात पात का कोई फर्क नहीं, हम लोग एक भाई। इसके पीछे पहले से साजिश किया गया, साजिश है इसमें, इसमें एक आदमी नहीं है, विकी राव साव नहीं है, वहाँ का कुछ आदमी तपस्या का भी होगा, कुछ आदमी उसके साथ भी है, मिल के लोग साजिद करके उस दिन मार दिया गया। बोला भी बोला कि बाबू को लेके आना, बच्चा लेके बुलाया, क्यों बुलाया बच्चा को लेके, विकी साहब का किस लिए बुलाया बच्चा को लेके, माँ तुम आओगी तो बच्चा लेके आना, क्यों बोला, बच्चा को लाके मार दिया। आप प्लस उसका गाड़ी में खून है, प्लस उसका चक्का का वहाँ पे जो रास्ता में था उसका दाग, चक्का का दाग है, और उसका गाड़ी में गाड़ी धोने जा रहा था तब तक तो लोग पकड़ी, वहाँ का रैयत को बोले तुम उसका घर छीन, तो विकी राव साहब को बोले हाँ, वो वहाँ का बाड़ी का रैयत लेके गया, टेनन खाला का टेनन लेके गया, तो सोया हुआ था उसको बुला के लाया गया, तो उसको तिलजला थाना में दिया, तिलजला थाना नारकुला थाना दिया, नारकुला थाना का किया छोड़ दिया, वहाँ पे भेज दिया, जहाँ पे कब नाम हम आपको बता रहे हैं, आनंदपुर थाना दिया, थाना का किया। अभी हम सुन रहे कि ऑफिसर लोग बोला कि लाल बाजार किया, तीन साफ नहीं मिलेगा, एक घर में दो मर्डर हुआ है, छोटा बच्चा मायने रखता है, दो छोटा बच्चा, सबका बच्चा है ना, सबका बच्चा है ना, ये ऐसी गुंडा किन्नर ऐसी मर्डर करते जागा जागा पुलिस के पास सिलेंडर भेजा, बोले हाँ मारा है, अब पुलिस कुछ नहीं करेगा, कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, फिर तो थोड़ा दिन जिसका हाथ होगा वो तो छुड़ा लेगा। तब ने बोला कि हाँ हमने मारा, वो इतना साफ कैसे बोल दिया, तुरंत कैसे बोल दिया, उगल दिया, क्या कुछ डकैती वगैरह का कुछ नहीं, नहीं 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 ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा खाला उतना जेवर पहन के जाती थी, नहीं वहाँ पे रहती थी, नहीं वहाँ पे समझिए उनका रेंज में खाली आदमी रहता था, कुछ रेंज में रहता, कुछ ऐसी फार्मेट रहता था, बिल वाला है ज्यादा, मेरा खाला यहाँ रहती थी। क्या बोल रहे, दुश्मनी किस चीज का, दुश्मनी किस चीज का नहीं है, वो जो पकड़ा है उसी से पता चलेगा, हम लोग को खुद नहीं मालूम। यही हादसा हुआ, अब फिरोदी के इतने दिन से उनके संग में था, अब उनके मन में क्या मंसूबा बना, कब वो मौके की तलाश में था, कब यही इंतजार में था कि कब मौका मिले कि इनको कत्ल करें, या कुछ भी माल पानी जो कुछ भी हो, या कोई भी उनका मतलब मकसद था, ये हम लोग को नहीं पता। हमने तो उनको घर किराए पे दिए नॉन मुस्लिम बोल के, पर वो नॉन मुस्लिम निकला। ये मामला तो कल का था, क्या नाम, क्या नाम क्या था उसका, जो भी हम लोग बड़े किए, हम लोग विकी शाव, विकी शाव, विकी शाव, नाम मतलब मुस्लिम, और नाम बताया था इमरान, 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 पांच जन था। पता चला कि विकी शाव जब हम लोग ढूंढने के लिए निकले, घर से निकले कि तो उसके घर उसकी एक वाइफ है और उसका दो बच्चा है, तो उसका नाम पता चला कि उसका नाम विकी शाव है। चक्कर काटने आए कि अपना अपना इंसाफ मांगने के लिए, आसामी जो पकड़ा गया उससे उगलाया क्यों नहीं जा रहा कि बच्चा कहाँ है, उसके उसके गाड़ी पे खून लगा तो वो उनको लेके छोड़ा, आसामी इधर का केस यहाँ का, तो फिर हम लोग गुमराह क्यों किया जा रहा है, क्यों गुमराह करके बढ़ाया जा रहा है।